आप देखें तो कुछ दिन पहले अवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी शिवपाल यादव जी से मिलने आए थे। तीनों लोगों की मुलाकात हुई और उसमें ओम प्रकाश राजभर जी कहीं ना कहीं सपा के साथ जाके मिल गए। तो आगे आप लोग कहीं अवैसी जी के साथ या कहां जाएं? ये निर्णय हमारे नेता का है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं, जो बीजेपी जो सरकार है उसके खिलाफ हमें चुनाव लड़ना। वो किसको अपने साथ लगाते हैं, कौन उनके साथ अच्छे विचार से रहेगा, कौन कौन पार्टी चाहेंगे कि बीजेपी पार्टी, इस बीजेपी की सरकार यहाँ से उत्तर प्रदेश से भागे ये लोग, वो सब लोग जो उसी सोच के विचार के आदमी होंगे, वो सब लोग पार्टियाँ हमारे नेता के साथ रहेंगे। जी, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष का कहना है कि हमें बीजेपी को हराना है, उत्तर प्रदेश में हमें बीजेपी की सरकार हटानी है। मैं वेब समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूँ। मैं इस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ चर्चा के लिए लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लोकेश भाटी जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप देखें 2022 का चुनाव बिल्कुल सन्निकट है, तो इस चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी की रणनीति है कि हमारे राष्ट्र अध्यक्ष ने अभी सामाजिक परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई और उनका मकसद उस यात्रा के दौरान आम लोगों को जागरूक करना। लगभग 65 जिलों में हमारी यात्रा गई और हमारे नेता माने राष्ट्रीय अध्यक्ष माने शिवपाल यादव जी का एक ही आह्वान रहा जनता से, सभी लोगों से, कि ये जो सरकार, जो गुंडों की सरकार, आतताइयों की सरकार और घमंडियों की सरकार, ये जो सरकार चल रही है इसके खिलाफ सभी सेकुलर सोच के व्यक्ति और सभी वो पार्टी जो लोग इस देश को अमन चैन से जीना चाहते हैं, इस देश में अमन चैन चाहते हैं, भाई को भाई के साथ, चाहे वो ईद हो चाहे दिवाली हो, वो मनाते हुए जो विचार है, इस तरह के लोग, इस तरह की पार्टियां सब एक मंच पर आकर ऐसे आतताई और घमंडी सरकार को हराने का काम कर रहे हैं। तो एक मंच की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं, तो चुनाव में किसके साथ गठबंधन होने वाला है? ये विचार, ये नीति, ये निर्णय, ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। हम तो कार्यकर्ता है और जहाँ भी हमारे पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय शिवपाल यादव जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय आदित्य यादव जी जो भी निर्देश देते हैं, हम सब युवा साथी, तमाम कार्यकर्ता बेझिझक बेखौफ उनके कहने पर, इशारे पर कार्य कर रहे हैं। आप बता रहे हैं 65 जिलों में परिवर्तन यात्रा आपकी निकली, तो कहीं 403 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ने की तैयारी तो नहीं है अकेले? हमारा 403 पे सीटों पे हमारी विधानसभा अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रत्याशी हर जगह तैयार है। माननीय शिवपाल यादव जी एक बड़े नेता है, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े चेहरा हैं और जो भी निर्देश रहेगा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता उस पर लड़ेंगे। उनका निर्णय, जो भी निर्णय होगा उस सर्वप्रिय होगा। बात अखिलेश यादव की करें तो बात चल रही, सूत्रों से जानकारी मिलती है कि अखिलेश यादव से भी साझा करने की बात चल रही है। और आप देखें तो कुछ दिन पहले अवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी शिवपाल यादव जी से मिलने आए थे। तीनों लोगों की मुलाकात हुई और उसमें ओम प्रकाश राजभर जी कहीं ना कहीं सपा के साथ जाके मिल गए। तो आगे आप लोग कहीं अवैसी जी के साथ या कहां जा रहे हैं? ये निर्णय हमारे नेता का है। उनकी सोच ये है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं, जो बीजेपी जो सरकार है उसके खिलाफ हमें चुनाव लड़ना है। वो किसको अपने साथ लगाते हैं, कौन उनके साथ अच्छे विचार से रहेगा, कौन पार्टी चाहेंगे कि बीजेपी पार्टी, इस बीजेपी की सरकार यहाँ से उत्तर प्रदेश से भागे ये लोग, तो वो सब लोग जो उसी सोच के विचार के आदमी होंगे, वो सब लोग पार्टियाँ हमारे नेता के साथ रहेंगे, हम उन्हीं के साथ गठबंधन। मतलब कुल मिलाकर के आपका कहना है कि जो पार्टी बीजेपी को यहाँ हराएगी उसी के साथ हमारा गठबंधन हो सकता है? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हमें बीजेपी को हराना है, उत्तर प्रदेश में हमें बीजेपी की सरकार हटानी है। तो उसमें जो भी हमारे जो निर्णय हमारे नेता का है वही हमारा निर्णय है, वही विचार है हमारे। किसान आंदोलन को लेकर के कुछ? किसान आंदोलन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब पहले दिन से ही
हमारी पार्टी के प्रोग्रामों में भी, पत्रकारों के आप भाइयों के माध्यम से भी और जनसभाओं में भी, सब में भी, सभी में, और हम सब जो कार्यकर्ता है, हम सब को ये निर्देश भी दिए गए कि आप जहाँ जहाँ भी, जिस भी जगह पर, जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पर उनके साथ जो भी आपकी जिम्मेदारी हो सके, जो भी कार्य कर सके, उनकी हमने मदद करी है। और हम उसी इस हिसाब से, हम तो खुद एक किसान के, हमारे जो नेता है किसान के बेटा है, तो हमारी पार्टी के जितने पदाधिकारी अधिकतर वही लोग हैं जो किसानों के बेटे हैं, और हम किसानों के समर्थन में हमेशा रहे और ताजीवन जब तक रहेंगे किसानों के समर्थन में रहेंगे। आप देखें 2014 के पहले बीजेपी नारा दिया करती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। कहीं ना कहीं इस समय की बात करें तो महंगाई बिल्कुल चरम पे है। डीजल पेट्रोल का दाम देख लें, सब्जियों का दाम देख लें, तो क्या महंगाई से? महंगाई है तो इस देश को, इन्होंने इस देश को बेच दिया जी। महंगाई तो महंगाई, इस देश को दो आदमी चला रहे जी। बीजेपी के राज में अडानी और अंबानी जी। दो ही इस देश को चला रहे जी। ये कृषि बिल भी उनके उनके हित के लिए करा था जी। बीजेपी का मकसद है सिर्फ दो आदमी को पेट भरना जी। और हमारी पार्टी का मकसद है कि हर गरीब को रोटी मिले, हर नौजवान को नौकरी मिले जी, और हर उस व्यक्ति के साथ न्याय हो जिसके साथ अन्याय कर रहे हो लोग। तो बीजेपी तो एक सरकारी उद्योगपतियों की, उन्हें क्या मतलब? उन्हें तो चाहे ये आटा आज की पेट्रोल 106 पहुंच गया था, चाहे ये 200 पहुंच जाए, उन्हें जब कोई मतलब नहीं जी, जी। तो ये पार्टियां, ये जो पार्टी है बीजेपी, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की है, वो भी दो की जी। तो ये तो इस देश को लूट के खा जाएंगे और इस देश को बर्बाद कर देंगे। तो बीजेपी का कहना है कि इस, जब आप सपा में थे या जब अलग नहीं हुए थे तो परिवारवाद का आरोप लगता था, और बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ एक गरीब परिवार, एक पिछड़े परिवार का लड़का भी आकर के हमारे यहाँ मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष के पदों पर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तो अवसर तो बीजेपी में दिख रहा है। बीजेपी जो ये परिवारवाद का जो नारा लगा रही है, ये कह रही है, हालांकि हमारी समाजवादी पार्टी, हम समाजवादी सोच के लोग हैं और हमारे नेता समाजवादी विचारधारा, और जो भी हमारे साथ हमारे पदाधिकारी है जी, जी। हमारे जो भी साथी है, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, तो हमारे जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी हमारे साथी है, जो सीनियर नेता है, वो सब एक आम गरीब परिवार से लोग हैं और आम परिवार के लोग हैं, ना कि वो एक राजनाथ सिंह या पंकज सिंह के बेटे हैं, उसकी तरह के हैं। और तमाम, चाहे वो सिंधिया जी रहे जी। चाहे वसुंधरा राजे रहे, राजघराने, बड़े घरों के नेता है, बड़ी पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, हमारी तो गरीब पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी, हम तो आम लोगों के नेता कार्यकर्ता पार्टी है हमारी। तो आप देखें बीजेपी में तो उन्होंने एक मौर्य को, आप देखें मौर्य जी उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी है, उसके पहले मुलायम जी मुख्यमंत्री रहा करते थे, और मुलायम जी के अस्वस्थ होने के बाद आप देखिए अखिलेश जी, क्या आपकी पार्टी अगर समाजवादी पार्टी है तो कहीं ना कहीं अन्य पिछड़ी जातियों को किसी मेंबर को आज तक उप मुख्यमंत्री तक भी नहीं बनाया गया है, तो इसीलिए परिवार हमारी पार्टी में जितने भी पदाधिकारी रहे, जितने भी नेतागण रहे, आप तमाम मंत्रियों को ध्यान उठा ले, चाहे वो प्रजापति जी रहे, चाहे राजभर जी रहे, वर्मा जी रहे, बहुत से पदाधिकारी हमारे, बहुत से नेतागण आम परिवार के लोग थे, और वो मुख्यमंत्री तो देश, उत्तर प्रदेश का एक ही रहता है, पर कैबिनेट मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद बनाए, राज्यसभा सांसद बनाए, एक हमारी एक कुशवा एक बहन है, वो MLC भी बनाई थी समाजवादी पार्टी। तो हमारे तो लोग बड़े बड़े गरीब और बड़े आम लोगों के परिवार की पार्टी है, ये इसी तरह के लोगों को अपने साथ लगा चलती है। आपका कहना है कि हर पद दिया जा सकता है, मंत्री दिया बनाया जा सकता है, विधायक सांसद, लेकिन मुख्यमंत्री पद आप यादव परिवार को छोड़ के नहीं दे सकते? नहीं, हमारा कहना कुछ नहीं है, हमारा कहना तो ये है कि समाजवादी पार्टी एक समाजवादी एक विचार है जी। समाजवादी एक विचार है जी। और जो उसका नेतृत्व कर रहा है वो समाजवादी नेता है जी, समझे? तो जो समाजवादी नेता है उसके नेतृत्व में हम सब खुश है, उसमें कोई मोरिया या कोई जाट या कोई ठाकुर या कोई यादव या कोई मुस्लिम, वो कोई बात ही नहीं है। बात नेतृत्व कुशलता की है, और नेतृत्व कुशलता में हमारे नेता जो है वो कुशल है, वो सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, सभी समाज के
वर्गों को अपने साथ पदाधिकारी बनाते हैं। हमारे साथ एक हमारे पिछड़ा वर्ग के अपने प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा जी हैं, एक आम परिवार के साथी हमारे, मैं भी एक ओबीसी एक समाज है, ओबीसी में से ही आता हूँ, मेरे गुर्जर समाज का हूँ, तो तमाम हमारे ऐसे साथी है जो पिछड़े समाज के लोग हैं हम, और ऐसे ही हमें सम्मान मिल रहा है। आज हम पार्टी ने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात, बहुत कुछ नहीं है उसके मामले में, अगर जो आप पार्टी के संगठन के पद की बात करेंगे तो हमें, हम जैसे लोगों को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, हमारे साथियों को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, तो ये सब तो पार्टी आम लोगों की और पिछड़ों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, तो इनका तो विचार ही, हमारा सब विचार यही है। थैंक यू सर।